डिस्प्ले वाला है ना ये? हाँ, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आता है, इसमें आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, आपका कॉल मैसेज डायरेक्शन सब इसमें दिख जाएगा। कुछ निखिल भाई के साथ मेरा पहले ही ये डिस्कस हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे व्यूअर्स को फायदा मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने उनको बोला है कि मेरा जो भी प्राइस होता होगा, आपका व्यूअर आएगा, मैं 1,000 रुपये तक उसमें डिस्काउंट करके गाड़ी दूंगा। ज्यादातर मोपेड में मेरे पास 28-30 हज़ार से स्टार्ट होता है जो रेट। तो क्या किस्त वाली सिस्टम ईएमआई पर भी आप देते हो? वो भी हो जाता है। जय श्री राम, जय सनातन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप अभी देख रहे हो मैं एक्टिवा के बीच में खड़ा हूँ, टू व्हीलर्स के बीच में खड़ा हूँ, स्कूटियों के बीच में खड़ा हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे ना, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे कमेंट भरे पड़े, निखिल भाई स्कूटियों पर वीडियो लाओ, एक्टिवा बताओ, एक्सेस बताओ। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए सूरत में आया हूँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको एक्टिवा में ढेरों सारे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। आप जैसा देख सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी मेरे पीछे बहुत सारे कलेक्शन है। अगर आप लोग सेकेंड हैंड या फिर आप चीपेस्ट रेट में या फिर आप बहुत ही सस्ते में एक्टिवा लेना चाहते हो, एक्सेस लेना चाहते हो, टू व्हीलर स्कूटी लेना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जल्दी से देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका भी अगर बिजनेस है, अगर आपकी भी शॉप है, अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से अपने शॉप को प्रमोट करवाना चाहते हो, एज अ सोशल मीडिया में लाना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर दिया गया, आप नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि हमको भी हमारा बिजनेस प्रमोट करवाना है। तो इस तरह से जो नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं यहाँ के जो ओनर है पराग भाई। तो सबसे पहले पराग भाई से मिलते हैं और आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके, तो पराग भाई आप एकदम बढ़िया हो? बढ़िया। हमारे चैनल पर पहली बार आने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए। तो पराग भाई, ये जो यहाँ के ओनर है भवानी मोटर्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्म का नाम भवानी ऑटो पार्ट्स, ठीक है ना? आप लोग जैसा कि देख सकते हो बाहर बोर्ड से, और इनके पास एक्टिवा में ये सबसे ज़्यादा डील करते हैं, चाहे एक्सेस हो, सुजुकी हो, जुपिटर हो, और बाइक में भी करते हैं। लेकिन बाइक का जो वीडियो है, इस वीडियो के नेक्स्ट में बाइक का वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल आज जो ये वीडियो सेपरेटली यूट्यूब में अगर आ रहा है आपके लिए, तो आपके कमेंट के, आपके डिमांड के ऊपर आ रहा है, ओनली फॉर एक्टिवा के लिए और सुजुकी के लिए। तो पराग भाई, आपके पास कितने कलेक्शन है? मेरे पास अभी मोपेड में कम से कम 60 गाड़ी अवेलेबल होगा। 60 गाड़ी? हाँ। ओके। और बाइक में भी 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में, बराबर, मतलब 100 के प्लस है, चाहे वो स्कूटी में ले लो या फिर बाइक में ले लो, बराबर ना? और तो हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है वो कहाँ से चालू होती है? मतलब ऐसे मैक्सिमम हमारा, मतलब ज्यादातर मोपेड में मेरे पास 28-30 हज़ार से स्टार्ट होता है जो रेडी टू यूज गाड़ी रहता है, उससे भी कम में कोई 20-25 हज़ार में भी मिल सकता है जी। पर अभी मेरे पास जो है वो पूरा रेडी टू यूज गाड़ी रहता है, 28 हज़ार से स्टार्ट होता है। 28 हज़ार से, मतलब तो आप मुझे दिखा सकते हो कि वो कौन सी बाइक रहने वाली है? जी, तो अभी हम जा रहे हैं पराग भाई के साथ में, ये जो अपनी स्कूटी है वो बताने वाले। अच्छा, ये सबसे पहला है, ये 2015 का मॉडल है जी, सुजुकी एक्सेस। एक्सेस ये 28 हज़ार का है जी, ऑन टेबल नेगोशिएबल है जी, प्राइस थोड़ा बहुत उसमें भी नेगोशिएट हो जाता है। ओके, तो नेगोशिएबल वाला है, तो ऑन टेबल नेगोशिएबल भी हो जाएगा। बाकी आप एक स्कूटी देखो, एक्सेस 125, और ये कितने का मॉडल बताया आपने? 2015 का गाड़ी। 2015 का गाड़ी, ओके। और इसकी क्या प्राइस क्या बताई आपने? 28,000, और वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट गाड़ी मैंने आप लोगों को बता दी। अब सेकंड हमारी कौन सी होने वाली है? ये होंडा का है एविएटर। ओके, ये 2014 का मॉडल है, ये 32,000 का है। कितना? 32,000 का, इसमें भी नेगोशिएबल है, इसमें मतलब सब में नेगोशिएबल तो है, प्राइस सब में नेगोशिएबल ही रखते हैं। ओके, जो कस्टमर को पसंद आता है चीज उसमें रेट करके देते हैं जी, बिल्कुल। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि अभी आप लोगों को, जैसे कि सबको पता है कि मेरे चैनल से मैं आपके लिए जहाँ पर भी जाता हूँ तो डिस्काउंट दिलवाता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपके लिए डिस्काउंट है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैंने पर्सनली पराग भाई से बात की, पराग भाई ने बोला हम दे देंगे, लेकिन जो डिस्काउंट की बात है वो अभी नहीं, वीडियो के बीच में या फिर एंड में हम करने वाले। तो तब तक वीडियो को देखो यार और लाइक करो यार, अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट कौन सा होने वाला है पराग भाई? एक्टिवा में 2013 से लेके मेरे पास 2022 तक के मॉडल है जी, फिलहाल ये 2013 का मॉडल है जी, ये 38,000 का है जी, पूरा रेडी टू यूज गाड़ी है, पूरा जनरल सर्विस और सब करके रेडी रखते हैं हम लोग गाड़ी। ओके, इसके बाद में 2014 के मॉडल का मेरे पास 4 गाड़ी है। ओके, वो सब भी 38-40 के बीच का है जी। और पराग भाई, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, सब फर्स्ट ओनर है या फिर? मोस्ट ऑफ ना फर्स्ट ओनर ही लेता है, हम लोग कस्टमर से ही कपचर्स करते हैं जी, ज्यादातर वन ओनर रहता है, शायद कोई में सेकंड ओनर होगा, पर जो भी कस्टमर आता है
हम उसको पहले गाड़ी का डिटेल बता देते हैं। ओके, जो भी ऑनर इंश्योरेंस का जो भी उसका पेपर वर्क कर रहता है वो पहले समझाते हैं, फिर गाड़ी का फाइनल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, आपसे पराग भाई पूछूंगा कि अगर वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कैश में नहीं लेना चाहते हो, अपने जो है ना ईएमआई करवाना चाहते हो किस्त वाली सिस्टम, तो क्या किस्त वाली सिस्टम ईएमआई पर भी आप देते हो? वो भी हो जाता है जी। ये जो 2013-14-15 के मॉडल है उसमें कैश में डील करना पड़ता है जी। बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है 2017 के मॉडल से जी, ये सब में आपका बैंक ईएमआई बन जाएगा जी। और वो भी बैंक से ही होता है, आईडीएफसी बैंक से फाइनेंस होता है जी। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत रीजनेबल रहता है। ये 2017 का मॉडल है एक्टिवा में जी। 4G मॉडल है ये, 50,000 का है जी। ये 2018 का है, फिर 19 के मॉडल है, ये सब में आपको फाइनेंस का फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। 2000 मतलब एक मिनिमम अगर हम आंकड़ा ले तो 2017 के बाद से में कोई भी गाड़ी में ईएमआई करा सकते हो 15,000-20,000 तक डाउन पेमेंट भर के, बाकी का आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ईएमआई कर सकते हो। ओके, और डाउन पेमेंट कितना आता है? 10 डाउन पेमेंट 15-20 पकड़ के चलिए आप, वो हमारे फिर वो ट्रांसफर और सब, हाँ वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर है जी, बिल्कुल। थोड़ा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है उसके ऊपर है, बाकी 15 तक में भी हो जाता है। 15 तक में भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये आपके पास मतलब सबसे ज्यादा मॉडल किस में? एक्टिवा में है, एक्टिवा में है, एक्सेस में है, मोपेड में सबसे ज्यादा मार्केट में एक्टिवा एक्सेस ही चलता है, बिल्कुल। उसके बाद में आता है जुपिटर है, बर्गमैन है जी, ये एविएटर है, प्लेजर है, सब गाड़ियाँ है अवेलेबल। सबसे ज़्यादा मेरे पास वैरायटी एक्टिवा एक्सेस में है। एक्टिव पास ये सबसे डाउन में मतलब कम रेंज में, एक पुराना मॉडल पहले अपने देख चुके हैं वो हमने बताया, न्यू मॉडल में ये 2017 का मॉडल है एक्सेस, ये 52,000 का है, पूरा कंपनी पेंट पे गाड़ी है, 2017 का भी संभाला हुआ एकदम ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी है जी, बिल्कुल। वो 52,000 इसका आस्क है, जो भी नेगोशिएट होगा वो कर देंगे। ओके, उसके बाद में एक ये भी मेरे पास आया ही है जी, मेरा सर्विसिंग इसका चालू है जी, 2021 का टॉप मॉडल है, ब्लूटूथ वाला जो आता है, अच्छा वो है मैकविल डिस्क ब्रेक वाला गाड़ी, 2021 का मॉडल है ये, 78,000 का है, 78 का है जी। इसके बाद में और 6 गाड़ी अंदर पड़ा है अपने, अच्छा पास। अगर इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये डिस्प्ले वाला है ना ये? हाँ, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आता है, इसमें आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, आपका कॉल मैसेज डायरेक्शन सब इसमें दिख जाएगा, सब कुछ ये डिस्प्ले में मेंशन हो जाएगा जी, बिल्कुल। और इसमें आपके पास कितने मॉडल अभी अवेलेबल है? ये मेरे पास एक्सेस टोटल 10 गाड़ी है जी, ब्लूटूथ वाला मेरे पास 5 गाड़ी अवेलेबल है। ओके, और बाकी का 5 गाड़ी जो नॉर्मल मॉडल आता अपना है, जो नॉर्मल सादा वाला आता है, अच्छा वो भी आप एक बार बता दीजिए। ये सब अंदर है, आ जाइए। तो देख लीजिए, हम अभी आ चुके हैं अंदर ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर जो है एक्सेस देखो मैट फिनिशिंग में भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को कलरिंग में चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो कौन सा होने वाला है हमारा? ये 2020 से है, 20, 21 और 22 के मॉडल है। ओके, सबसे ये पहला 2020 का मॉडल है जी, ये अपना 70,000 का ये बेसिक मॉडल है जी, ये 2021 का बेसिक मॉडल है, ये 72,000 का है। ओके, और उसके बाद में ये दोनों 2021 के, ये दोनों टॉप मॉडल्स है, जो बाहर देखे सेम वही है जी, ब्लूटूथ वाला गाड़ी है जी। ये 2021 का मॉडल है, इसका 80,000 है प्राइस। ओके, ये भी 2021 का ही है, पर ये 78,000 का है, खाली मंथ के डिफरेंस में और चला हुआ ज्यादा कम उस हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है प्राइस में। ओके, सबसे ऊंचा मॉडल एक्सेस में मेरे पास ये दो गाड़ी है जी, ये अभी का लेटेस्ट कलर है, 2022 में ये लॉन्च हुआ है ये कलर, बहुत अच्छा। ये 2022 का गाड़ी है, ये व्हाइट भी 2022 का, ये दोनों 90,000 का है, वो भी दोनों 2022 के टॉप मॉडल है। ओके, दूसरा एक सुजुकी का ही एक्सेस के कंपैरिजन का मॉडल है मेरे पास, बर्गमैन अभी सबसे ज्यादा चलने वाला, ज्यादा चलने वाला और बेस्ट, मतलब मिलता ही नहीं है गाड़ी, बहुत कम मिलता है हमको भी, इसलिए मेरे पास एक ही अवेलेबल है। ये 2022 का मॉडल है, 12 महीने पुराना गाड़ी है जी, 2022 के भी 8वें महीने का है। ओके, ये 92,000 का, 92,000। और इसमें भी ईएमआई वगैरह हो जाती है? ईएमआई हो जाता है। ओके, उसके बाद अपने मेरे पास यहाँ एक्टिवा में है जी, जो बाहर देखा वो 2019 तक का है, 5G तक के मॉडल है। ओके, उसके बाद में यहाँ 2021 और 22 के मॉडल है जी, ये दोनों 2021 के मॉडल है मेरे पास इधर अवेलेबल में जी, ये दोनों 72,000 के है। ओके, और सेम ये कलर में मेरे पास एक 2022 का भी मॉडल है, वो भी मेरा सर्विस हो रहा है, पॉलिश हो रहा है गाड़ी, वो मेरे पास है 78,000 का, 22 का मॉडल। ओके, 22 का मॉडल, हाँ जी। और उसके अलावा होंडा में भी उससे ऊपर एक्टिवा में ये एक मॉडल आता है, एक्टिवा 125 है। ओके, एक्टिवा का भी 560 से भी एक ऊपर का मॉडल आता है, ये 2021 का मॉडल है, ये 72,000 का है जी। इसके अलावा फिर जुपिटर अच्छा चलता है मार्केट में,
एक्टिवा एक्सेस के बाद में, और जुपिटर में भी मेरे पास 4-5 मॉडल अवेलेबल है। अभी फिलहाल एक पड़ा है ना, अभी एक इधर पड़ा है, दूसरे बाहर पड़े हुए 3 गाड़ी, वो आपने देखा होगा वीडियो में। हाँ, आपने ये 2021 का है, पूरा एकदम रेडी टू यूज ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी रहता है। ये है 68,000 का, 2020 का मॉडल। उसके बाद मेरे पास जुपिटर में अभी का जो नया 125 आता है, वो 2021 का मॉडल है, वो 72,000 का है, वो मैकविल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है, जो टॉप मॉडल आता है वो है। ओके, तो सब आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया, पराग भाई ने अभी आपको लोगों को पूरी डिटेल दे दी है, इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। तो यहाँ पर ना एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप बाइक लेके जाते हो, स्कूटी लेके जाते हो, कोई भी लेके जाते हो, तो यहाँ पर सर्विस सेंटर जो है इनका बाजू में ही है। ये देखो, इस तरफ सर्विस सेंटर है, ठीक है, इस तरफ आप फोकस करो, ये सर्विस सेंटर है, और इस तरफ आप देखोगे तो देखो भवानी मोटर्स, और यहाँ पर बाइक का कलेक्शन है। हालांकि ये जो वीडियो है बाइक वाला, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। मेरे को कमेंट कर दो भवानी मोटर्स में जाके बाइक का पार्ट लाओ, तो मैं मेक श्योर आप लोगों के लिए बाइक्स वाला पार्ट लाऊंगा। तो इसमें और एक मैं चीज़ एड ऑन करना चाहता हूँ पराग भाई, कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मार्केट में ये चीज़ें बहुत महंगी है, वो चीज़ें बहुत महंगी है। अगर आपके यहाँ पे जैसे हमने सभी रेट बताई, तो मतलब मार्केट के कंपैरिजन में आपकी रेट, मार्केट से कोई हमारे रेट में ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, हम मार्केट रेट से ही, मेरा 32 साल से दुकान है जी, मार्केट रेट से ही काम करते हैं, जो भी नेगोशिएबल होता है उतना कर देते हैं, हमारे पास चीज़ में गारंटी रहता है जी। पुराना चीज़ बेच रहे हैं, ज़्यादा अच्छा भी बोल के नहीं देते, पर कोई भी गाड़ी ले जाता है, 2-4 दिन में अगर उसको इंजन का इश्यू लगता है, हम गाड़ी चेंज कर देते हैं। ओके, कंडीशन उसको, कलर कंडीशन उसको चॉइस करना रहता है, इंजन का प्रॉब्लम हो लगता है, हम गाड़ी चेंज भी कर देते हैं। कोई छोटा मोटा सर्विसिंग रहता है, हमारे वहाँ मैकेनिक है खुद के, हम सर्विस करके देते हैं, 2-5 दिन हफ्ते के अंदर जो भी इश्यू होता है वो हम सॉल्व करके देते हैं। उतने में तो एक गाड़ी का, किसी को भी मशीनरी का पता चल ही जाता है। बाकी कोई अगर कस्टमर से एक परचेस करके बेचते हैं, तो ओरिजिनल और वो पेपर वर्क का हमारा पूरे जिम्मेदारी रहता है, उसमें कल उठ के कोई दिक्कत आता है तो भी हम गाड़ी वापस ले लेते हैं। ओके, पेपर वर्क का पूरा जिम्मेदारी हमारा रहता है, 100% गारंटी के साथ। हाँ, गारंटी के साथ ही काम करते हैं, और बहुत सालों के से करते हैं, तो कस्टमर का भी हमारा है, पर भरोसे से ही चीज देते हैं, ऐसा नहीं है कि दे दिया है और खत्म हो गया। राइट है, वो तो कस्टमर के साथ हमारा व्यवहार होना भी चाहिए। और आप लोगों को देख लो, पराग भाई ने बोला 32 इयर्स, 32 साल से यहाँ पे ये इनका बिजनेस है, ठीक है ना। तो पराग भाई, यहाँ का जो एड्रेस है प्रॉपर आप बता दीजिए ना, कि क्या एड्रेस होने वाला है। एड्रेस मेरा है ना, ऐसे मेन कतारगांव गोटालावाड़ी एरिया आप बोल के आ सकते हो। हाँ, केसरवा मार्केट है, उसके एग्जिट सामने है जी, और स्टेशन से भी एकदम नजदीक है, 1.5-2 किलोमीटर के एरियाज में ही आ जाता है। ओके, मेरा भवानी ऑटो केसरवा मार्केट के सामने, गोटालावाड़ी बोलोगे आपको एड्रेस मिल जाएगा। ओके, मतलब मेन जो पॉइंट है वो गोटालावाड़ी का है। हाँ, कि गोटालावाड़ी अगर सर्च करते हैं तो डायरेक्ट यहीं आपको पे एरिया मिल जाएगा, है ना। ओके, एकदम राइट है। और लास्ट में हम जो आप लोगों को बता रहे थे कि डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट हमारा क्या होने वाला है, देखो पराग भाई, क्योंकि मेरे जितने भी चैनल में बनाता हूँ वीडियो, उनके यहाँ पे मैं पर्सनली उन्हें बोलता हूँ कि आप डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि मुझे जो देखने वाले उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई मेरे चैनल से आता है और आपको बोलता है मैं निखिल राज के चैनल से आया हूँ, और आपके यहाँ पे कोई बाइक खरीद रहा है, तो आप उसको क्या डिस्काउंट? निखिल भाई के साथ मेरा पहले ही ये डिस्कस हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने उनको बोला है कि मेरा जो भी प्राइस होता होगा, आपका व्यूअर आएगा, मैं 1,000 रुपये तक उसमें डिस्काउंट करके गाड़ी दूंगा। बस इस कार्ड को देख लीजिए, और अगर आप नंबर निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके आप नंबर भी निकाल सकते हो, भवानी ऑटो। सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो थैंक यू सो मच पराग भाई इस वीडियो में आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो भाई आपके लिए फाइनली वीडियो बना दिया है। और भाई अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, अब इंस्टाग्राम में भी मैं एक्टिव हो चुका हूँ, nikhilraj.vlog। डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी दे दूंगा, और आप सर्च भी कर लेना, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर देना नए नए अपडेट्स के लिए। और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो, एक्टिवा और जो एक्सेस स्कूटी में मैंने वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट अगर आप लोगों को इनके जो बाइक्स वाला कलेक्शन है उसमें वीडियो चाहिए, तो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ निखिल भाई उनका बाइक का कलेक्शन है, वो हमें आप दिखाइए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे अभी तो यार नहीं हो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे मस्त मस्त वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।